हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सतबीर धीमान और इस समय हैं हम जिला सिरमौर अपने गांव में चारणा विलेज में हैं हम अभी। तो इस समय हम माता भवानी का मंदिर है यहां पर, जो सबसे चोटी पर है, जो हमारा मार्केट प्लेस है उसके बिल्कुल चोटी पर है। ये माता भवानी का मंदिर है, दुर्गा देवी का। तो यहाँ से हम थोड़ा ट्रैकिंग पे जा रहे हैं आज, तो हम तीन लोग जा रहे हैं। हमारे दो साथी अभी आने बाकी है, अभी आएंगे, और वो हिमाचल से नहीं है, वेस्ट बंगाल से है। हमारे साथी आने वाले हैं, ये मार्केट से होकर आ रहे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से चढ़ के आएंगे, ये हमारी मार्केट है चारणा की, ये देख सकते हैं आप, ये है हमारी मार्केट। और यहाँ से चढ़ कर आ रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। पहाड़ी पे चल लेगा, चल लोगे ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्रॉस कर, खुल गया था ये, ये पहुंच गए हमारे भाई साहब। और यहाँ पर काफ़ी समय से हेल्थ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर सुजीत से। स्पेशल अपने छुट्टियां बिताने आया है यहाँ पर, छुट्टियां है सर इनकी, है ना? छुट्टियां बिताने आया है, और डॉक्टर साहब का बेटा है, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था आपको। डॉक्टर सुजीत सेन काफ़ी सालों से यहाँ अपनी जो हेल्थ के लिए सेवाएं दे रहे हैं। इनका क्लिनिक है नीचे बाज़ार में। तो हम जा रहे हैं अभी ट्रैकिंग करने के लिए। तो ये सौरभ है, नाम बता दो अपना, सौरभ सेन। और ये जो पहाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर हमारे इष्ट देव का मंदिर है, विजट देव का। यहाँ तक हम जाएंगे आज की ट्रैकिंग में। ये जियो का टावर है, ये देखिए आप, और सारे पूरे एरिया के लिए यहाँ से सिग्नल भी। और साथ में हमारे मामा जी। तो अब हमारे साथी चार हो गए हैं, ये हमारे मामा जी है, और ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश ठाकुर जी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये यात्रा, ट्रैकिंग। हाँ हाँ, एक साथी हमारे और जुड़ चुके हैं हमारे साथ रोडू से। अपना नाम बता दो सर। विपन लाल जी, और ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी विभाग में है, यहाँ पर चारणा में ही कार्यरत है। तो आज हम ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो इस समय हमने ये वाला रास्ता चूज किया जाने के लिए, सीधा चढ़ाई का। तो हमने मंदिर के पास पहुँचना है। थोड़ा सा नीचे का नज़ारा दिखा लेते हैं आपको। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये भवाई गाँव है। यहाँ कुछ खंडहर टंकियाँ पड़ी हुई है रास्ते में, सभी बड़े जोश के साथ। ऐसा कि हमने सोचा था कि वेस्ट बंगाल से ये लड़का नहीं चल पाएगा, हमारे से भी तेज़ दौड़ रहा है। हाँ जी हाँ जी, ये देखिए बिल्कुल पथरीली रहा है यहाँ पर, और हम काफ़ी हाँप गए हैं चढ़ते चढ़ते। हरिपुर धार का नज़ारा कुछ इस ढंग से दिखाई देता है। अब सिलीगुड़ी में जाने वाला, देखिए कितना ढंगार है यहाँ। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, और डॉक्टर जी डर का आभास हो रहा है इन्हें, क्यों सर डर लग रहा है आप? हाइट काफ़ी हो गई है ऊपर से, तो और ज़्यादा बढ़िया नज़ारा आपको देखने को आपका। ये खड़ी चढ़ाई है, क्या बोल रहे कलकत्ता वाले? हाँ हाँ हाँ, रिजाइए सच। हाँ आराम से चल, आराम से दोस्त।
क्या बोल रहे डॉक्टर साहब, यहाँ बोलो आप, यहाँ बोलो आप प्लीज, चलते चलते बेहोश हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो थोड़ा ही रह गया। यहाँ से ना गजब का नज़ारा दिखता है सर, बहुत ही शानदार। हाँ, आपका क्या अनुभव है सर? बढ़िया है। को 4-5 साल में चलो। डोडरा कुमार घर है आपके? नहीं नहीं, हेरा वो तो बड़ा खतरनाक एरिया सर, इतनी चढ़ाई है। सर हमें डोडरा कुमार का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अभी साझा कर रहे हैं कि वहाँ कैसा है, ये तो कुछ नहीं है। पेड़ पौधे तो खत्म है। हाँ पेड़ पौधे नहीं है, तो सीधा है खड़ी चढ़ाई, और वहाँ से मतलब 4 घंटे में किन्नौर हो जाता है। अच्छा चलो चलते हैं फिर। तब हमने तो हवा भी काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ये जो घर हमें सामने दिखाई दे रहा है, इसके बिल्कुल पीछे ऊपर वाली पहाड़ी पर हमारे देवता का मंदिर है, और जहाँ से हमने चढ़ना शुरू किया था तो ये रहा माता भगवती का मंदिर। ये टावर के बीचों बीच आप देख पा रहे हैं, चाड़ना बाज़ार यहाँ से बहुत ही छोटा नज़र आ रहा है, और ये सामने की पहाड़ियाँ उतनी ही खूबसूरत। लोग काफ़ी आगे चले गए और मुझे इनका पीछा करना है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई में। क्या बोल रहे हैं आप बंगाली में? फोटो इससे खींचेंगे इस कैमरे। मंदिर की पुरोहित बाबूराम जी, उनका घर है मंदिर के बिल्कुल नीचे, और इनको जिम्मा सौंपा गया है यहाँ देवता की पूजा अर्चना का। ये सामने देखिए, ये हमारा गांव नज़र आ रहा है, मुख्य गांव जो चाड़ना है, और ये बिजट महाराज का मुख्य मंदिर जो सबसे ऊंचा आप देख पा रहे हैं। चूड़ी रे धारी शिवालिक बसो मरा सिरमो नटिया। सौरभ इधर से आ जा, नीचे से वहीं जाएंगे हम, वहीं पहुंचना है। और यहाँ खेत बन गए, आ जाओ उधर से आ जाओ, हमें भरपूर रास्ता नहीं मिल रहा है, तो खुद ही रास्ता बना रहे हैं सभी लोग। बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ रहा है इधर लेडी। ये रहा मंदिर, और बिना विराम के बिना कुछ रेस्ट किए 10 मिनट में, आई थिंक 12 मिनट में हम इस पहाड़ी पे पहुंच गए हैं, और पसीने से बिल्कुल तर, देख सकते हैं आप, ऊपर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बंगाल टाइगर, हाँ जंगल का भव्य दृश्य, आराम से फिसलना मत, वे विजट मारा। ये रहा हमारा मंदिर, विजट महाराज का मंदिर, और इनका मुख्य मंदिर। कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं मैदान में, हाइट में आनंद ले रहे हैं यहाँ पर भाई अपने। नेट लग गया है, किंदर मैच रहा है, गेंदू का मैच, ये गेंदू स्टेडियम है वैसे। इस गाड़ी को चला, ये देखिए हम पुरानी ओल्ड साइकिल। तो अंकल जी कह रहा है थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो इसलिए इन वादियों में हम जरूर विश्राम करना चाहेंगे।
और यही वो जगह है जहाँ श्री राम जी को वाल्मीकि तपस्या करते हुए मिले थे। और अंतिम में हमें यहाँ एक जलाशय मिल गया है। पानी आएगा तो हमें पानी नहीं मिल रहा है यार, याद तो होगा मैं था। तो हम फाइनली यहाँ इंजॉय कर रहे हैं और मामा जी हमारे बड़े ही खुश मिजाज और बिस्किट दिखा रहे हैं, हमें ललचा रहे हैं। खुश हो रहा मामा जी यहाँ पर पहाड़ियों में, सुदूर पहाड़ियों में पहुँच बोलेंगे पहाड़ी को हम लोकल भाषा में सिंगरी धाला भी कहते हैं, सिंगरी की पहाड़ी भी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे, जैसा कि मैंने बताया था आपको, मुख्य देवता है हमारे विजयत महाराज जी का मंदिर है और साथ में यहाँ बहुत ही खुला मैदान जैसा है और यहाँ पर हर साल वॉलीबॉल के मैच होते हैं जहाँ पर ये बच्चे खेल रहे थे। थैंक यू यार, अब या तेरा एहसान नहीं भूलेंगे हम, काम बोलना जो भी होगा हमारे लायक है ना। और ये गुद्दकधार का घना जंगल और हमारी वापसी, ऐसे जंगल में विचरण करने का अपना ही आनंद है। आ जाओ, बनक्षण टाइप मिला है जो कि बुखार में बहुत काम करता है, आजकल कोरोना फैलाने में मेरे ख्याल इससे मदद मिल सकती है। वाह जी वाह, सही बात है। इतिहास रहा है कि जड़ी बूटियां जहाँ पर दूसरी अंग्रेजी दवाइयाँ काम नहीं करती वहाँ पर ये जड़ी बूटियाँ काम करती है। तो फिर नीचे की तरह डॉक्टर साहब को टेंशन हो रही है कि सभी जड़ी बूटियाँ खाएंगे तो मेरी दवाई कौन खाएगा। ना ना सीधे ढाक से उतरते हुए, ये कुछ जंगली टमाटर है। आजकल यहाँ गुच्छिया भी काफी मिलती है जिसे हमारी अपनी भाषा में बोलते हैं। और ये असली, ये बिन्ना, ये जो होटलों में काम आता है, होटलों शादी विवाह जहाँ मर्जी आप इसका वो कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन के लिए बहुत बढ़िया मानी गई ये चीजें, आप लोग देख रहे हैं। पाबंदी लगा रखी है, आम जनता इस चीज को नहीं ले सकती, इसे जंगल में आप देख रहे हैं हमारा नाला, नाला सुपारा। और हमें अभी प्रॉपर रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जंगल से होकर आए हम। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। रास्ता मिल गया है नीचे जाने के लिए, पूरा एडवेंचर एंजॉय किया है यहाँ गिरने के पूरे। ये मेन रास्ता है, अब आ जाओ आप मेन रास्ते में। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चीजें रखी हुई यहाँ पे लगाई हुई है, ये नेचुरल है, पेड़ थे पहले यहाँ पे, लेकिन जब से यहाँ पे झोड़ी बनी हुई है, यहाँ पे जब पशु पानी पीने आते हैं तो उन्हें यही बांधा जाता है। जैसे सर्दी के टाइम यहाँ पे धूप बहुत बढ़िया लगती है शाम के टाइम, तो पशु पानी भी पीते हैं और यहाँ पे उनका सही ढंग से मनोरंजन भी हो जाता है। ये देखिए आसपास के जो दृश्य है वो काबिले तारीफ है। लगातार बने हुए रमेश ठाकुर जी हमारे साथ और अच्छी जानकारी हमें इस विहंगम पहाड़ों की दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये जो चीज है ये एक शाइल जीव होता है, उसके जो पंख है, कंडे जिसको बोले कांटे है, वो छोड़ता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ये वही चीज है। और ये खतरनाक जीव होता है और लोग इसका मांस भी खाते हैं।
अब सांझ हो रही है और हम चल पड़े हैं अपने गंतव्य की ओर वापस। क्या हुआ? और ये हमारे मिशु। हाँ उमत ही चिंगरी गायब लगा यहीं तक था पर नहीं आए नहीं थे कहाँ गए थे खिला लेंगे अगर आपके खाए जाए। चर्बी है कि फूल चर्बी डालियो उसमें थोड़ी सी चर्बी है फूल चल सकता है चर्बी जितनी खानी होगी सीढ़ो खानी होगी जितनी देखे आराम भी नहीं हो रही वो भी गारंटी है कि मीठी होगी सीढ़ी लगाई ना। हाँ सर्दी में कहाँ होती खराब क्यों क्या चर्बी अगर ताज़ा मीट मिले ना मीट मिले ना ताज़ा आपको मेरे को फोन करना मैं कुछ सम क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ओके प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ओके पहाड़ों के सीढ़ी नुमा खेत उसन पहाड़ों का क्या कहना उसन पहाड़ों का क्या कहना कि गाओ गाओ के बारो महीने यहाँ मौसम जाड़ों का।